हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, हाउ टू लर्न पाइथन फॉर डेटा साइंस। और उसके रिस्पांस में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत लोगों ने मेल भी किया, एंड उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि जिस तरीके से मैंने पाइथन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल वैसे ही सीक्वल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ। सो इस वीडियो में मैं आपको एक एंड टू एंड रोड मैप दूंगा कि अगर आप डेटा साइंस में घुसना चाहते हो तो सीक्वल कैसे पढ़ना है और कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे रिसोर्सेज दूंगा जो मैंने ट्राई कर रखे हैं और मुझे लगता है कि वो बहुत सही है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पूरे वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि सीक्वल क्या होता है और डेटा साइंस में इसकी जरूरत क्यों है। फिर सेकेंड पार्ट में मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको पढ़ने चाहिए अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है डेटा साइंस के डोमेन में। और थर्ड, मैं आपको सारे रिसोर्सेज बताऊंगा जिनको यूज करके आप सीक्वल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट पे फोकस करते हैं कि सीक्वल क्या है और इसकी डेटा साइंस में क्या जरूरत है। सो अगेन, मैंने एक पीपीटी बनाया, आई विल फॉलो दैट पीपीटी। सो व्हाट इज सीक्वल? बहुत लोग इसको एसक्यूएल भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो इन शॉर्ट, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या काम है इसका? सीक्वल इज डिजाइंड फॉर मैनेजिंग डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS बोलते हैं। सीक्वल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस क्रिएशन, डिलीशन, फेचिंग रोज एंड मॉडिफाइंग रोज एक्सेट्रा। सो आइडिया बहुत सिंपल है कि आई गेस आप थोड़ा भी अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होगे तो आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, और लेट्स से आप ओला ऐप यूज कर रहे हो और आपने आज कोई राइड ली, तो आप एक साल बाद भी अपने अकाउंट में जाकर के चेक कर सकते हो कि मैंने उस दिन कहाँ से कहाँ तक की राइड ली, कौन मेरा ड्राइवर था, कितने पैसे मैंने पे किए। तो ऑब्वियसली जो भी हम डेली बेसिस पे करते हैं किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे, उसको स्टोर किया जाता है सो दैट फ्यूचर में अगर मेरा यूजर मुझसे वो डिमांड करे इन्फॉर्मेशन तो मैं सर्व कर पाऊँ। तो ये जो पूरा का पूरा स्टोरेज होता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन का, वो एक चीज में होता है जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस दो तरीके के होते हैं मोस्टली, एक होता है सीक्वल बेस्ड, एक होता है नो सीक्वल बेस्ड या RDBMS। सो RDBMS बहुत पुराना है, अराउंड 50 सालों से है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और RDBMS बेसिकली एक स्टाइल ऑफ डेटा स्टोरेज है जहां पे आप टेबल्स बनाते हो और टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप रहता है। जैसे अगर आप एक पूरी कंपनी का डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप अलग अलग टेबल्स बनाओगे, एम्प्लॉई, सैलरी, प्रोफाइल्स, डिपार्टमेंट्स, और ये सब लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इस तरह के एक सिस्टम को हम RDBMS बोलते हैं। और RDBMS अगर आपके पास है तो उससे उसे हैंडल करने के लिए जो लैंग्वेज आप यूज करते हो उसी को सीक्वल बोला जाता है, ठीक है। और आज की डेट में जितने भी RDBMS यूज हो रहे हैं पूरी दुनिया में, उनको हैंडल करने के लिए सीक्वल यूज किया जाता है। तो मतलब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अब सीक्वल इज बेसिकली अ सेट ऑफ कमांड्स, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट बहुत डिफरेंट टाइप का। इसमें कमांड्स होते हैं, प्रिसाइजली चार अलग टाइप के कमांड्स होते हैं जैसा आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो कमांड होता है वो होता है DDL, जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इन कमांड्स को यूज करके आप डेटाबेस और टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेकंड जो होता है वो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, इस तरह के कमांड्स आते हैं। फिर आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पे आप अगर किसी और के साथ काम कर रहे हो, किसी और डेवलपर के साथ काम कर रहे हो, तो आप उसको परमिशंस वगैरह दे सकते हो कि वो किस लेवल तक डेटाबेस में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें कमिट और रोल बैक कमांड्स होते हैं। इन शॉर्ट, मतलब काफी कुछ होता है वैसे सीक्वल में, बट अगर आप डेटा साइंस के थ्रू सीक्वल को पढ़ना चाहते हो तो आपका ज्यादातर फोकस रहेगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे, मतलब ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने एक शॉर्ट आपको इंट्रो दे दिया कि सीक्वल क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री में, वो देख लेते हैं। सो ये एक ग्राफ है जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस कौन से हैं,
ठीक है, एंड यू वुड सी कि कई सारे डेटाबेसेस ऐसे हैं जिनका नाम आपने शायद सुना होगा, ओरेकल आपने सुना होगा, MySQL आपने सुना होगा, MongoDB आपने सुना होगा, बट एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि अगर आप टॉप 10 में इलास्टिक सर्च, रेडिस और MongoDB इन तीन डेटाबेसेस को हटा दो तो बाकी के सारे डेटाबेसेस SQL बेस्ड डेटाबेस हैं। मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में इंडस्ट्री में 80% कंपनीज जो डेटाबेस यूज करती है वो RDBMS है और SQL बेस्ड है। तो दैट इज why SQL इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, और एक और चीज, अब ग्रेजुअली दो और टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर को लेके आगे बढ़ रहा है, पहला है क्लाउड टेक्नोलॉजीज और दूसरा है बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज, और गेस व्हाट, इन दोनों के भी जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनमें SQL इंटीग्रेशन होता है। SQL इतना वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है कि कोई नया टेक्नोलॉजी भी जब बनता है तो वो SQL के फ्रेमवर्क पे ही बनता है। सो इन शॉर्ट अभी तक मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है SQL। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि डेटा साइंस में इसकी जरूरत क्यों पड़ जाती है। तो पहला रीजन है कि आज की रेट में जो कंपनीज हैं उनका जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब आप बहुत टॉप लेवल कंपनीज की अगर बात ना करो तो होता क्या है कि अगर आप किसी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन करो तो मोस्ट लाइकली उनकी डेटा इंजीनियरिंग टीम नहीं होती है उस टाइम पे, और आपको सीधे सीधे बोला जाता है कि अभी हमारा डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है और आपको क्या करना है कि डेटाबेस के डेटा को निकालना है और उसके ऊपर एनालिसिस करना है, मॉडल बिल्डिंग करना है और हमें रिजल्ट देने। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी में क्या होगा कि एक डेटा इंजीनियरिंग टीम होगी जो डेटाबेस के अंदर से डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके देगी सो दैट डेटा साइंस टीम उसके ऊपर काम कर पाए। बट सिंस अभी ये पूरा सेक्टर इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि देयर इज अ ह्यूज चांस कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप ही के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आके गिरेगी कि आपको डेटाबेस एज इन रनिंग डेटाबेस में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है, मॉडल बिल्डिंग करनी है और फिर रिजल्ट्स देने हैं। ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट इंटरेक्शन है इस पॉइंट पे एक डेटा साइंटिस्ट का SQL बेस्ड डेटाबेसेस के साथ, क्योंकि डेटा सोर्स डेटाबेस ही है। ठीक है, दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि SQL इज सो पावरफुल। आप जब SQL सीखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि SQL इतना पावरफुल है कि आपको अगर कुछ इनिशियल लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने डेटा के बारे में, जैसे कितने वैल्यूज मिसिंग है या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है किसी कॉलम में, या फिर छोटे लेवल पे अगर आपको कुछ एनालिसिस रन करना है तो उसके लिए आपको अलग से पाइथन या फिर पैंडास में डेटा रन करने की जरूरत ही नहीं है। वो काम आप डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर SQL यूज करके चला सकते हो। तो जो इनिशियल सेट ऑफ यू नो टास्क होते हैं एक मशीन लर्निंग वर्कफ्लो में, वो आप SQL यूज करके भी कर सकते हो, उसके लिए आपको पाइथन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आज की रेट में हर डेटा साइंटिस्ट को SQL आना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं क्यों सीखूं, उसके लिए मैं एक आपको डेटा दिखाता हूं। डेटा ये रहा, ये indeed.com से एक ग्राफ उठाया है मैंने जो ये बताता है कि जितने भी डेटा बेस्ड जॉब्स हैं, डेटा बेस्ड जॉब्स मतलब डेटा साइंटिस्ट के जॉब, डेटा एनालिस्ट के जॉब, डेटा इंजीनियर के जॉब, उनमें जो सबसे ज्यादा इन डिमांड स्किल है वो है SQL। ठीक है, और अराउंड 40% जॉब्स में SQL को डिमांड किया जा रहा है कि सामने वाले कैंडिडेट को SQL आना चाहिए। इनफैक्ट एक और डेटा है मेरे पास और वो डेटा ये है एंट्री लेवल जॉब्स, जो फ्रेशर्स हैं या एक दो साल के एक्सपीरियंस लेवल पे जो जॉब्स हैं उनका एनालिसिस है ये, और उन जॉब्स में अराउंड 60% जॉब्स में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कैंडिडेट है उसको SQL आना चाहिए। सो जरूरत भी है और आज की रेट में जॉब्स में एकदम भर के मांगा जा रहा है, इनफैक्ट पाइथन से भी ज्यादा। सो इट इज अ वेरी वेरी इन डिमांड स्किल, और अगर आप डेटा साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने यू नो SQL के ऊपर काम नहीं किया तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लूज कर रहे हो और हो सकता है आप यू नो एलिजिबल ही ना रहो किसी जॉब के लिए। सो आई गेस मैंने पूरा का पूरा 5-10 मिनट जितना भी लिया मैं आपको समझा पाया कि SQL क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस जो लोगों के मन में आते हैं SQL पढ़ते टाइम या प्रिपेयर करते टाइम, वो ये है कि क्या डिफिकल्ट है SQL पढ़ना।
द आंसर इज नो. मतलब मैंने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, काफी टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं. SQL इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जो मेरे को बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि बहुत लॉजिकल है यार. आपके सामने डेटा रखा हुआ है और फिर आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया गया कि डेटा में से ये निकाल के बताओ, तो वो सोच पाना, उसको अप्रोच कर पाना, उस प्रॉब्लम को बहुत मजा आता है. तो आप अगर सही तरीके से सीख जाओ तो SQL के साथ काम करना एक बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है जनरली. ठीक है, अब वो अलग बात है कि कभी डेटा वेटा बेस फट गया और कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो बहुत टेंशन का काम है, बट अगेन वो आपका जॉब प्रोफाइल नहीं है, उसके लिए डेटा बेस एडमिन्स होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन जो लोग बहुत पूछते हैं कि SQL बेस्ड डेटाबेसेस में कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना चाहिए, शुड वी यूज ओरेकल और शुड वी यूज MySQL और शुड वी यूज SQLite. तो मेरे एक्सपीरियंस में यू शुड स्टार्ट विथ MySQL क्योंकि वो फ्री है और बहुत सारी कंपनीज उसके ऊपर काम करती हैं, तो स्टैंडर्ड है वो. ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से SQLite या फिर Oracle भी चूज कर सकते हो या फिर PostgreSQL भी चूज कर सकते हो. अगर आप मेरे से पूछोगे तो आई वुड से कि स्टार्ट विथ MySQL. फ्यूचर में आपकी कंपनी जो भी डिमांड कर रही है आप झट से सीख सकते हो क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, नाउ एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए मुझे? मैं एक बिगिनर हूं और मुझे SQL सीखना है, लेट्स से 1 month में या फिर 3 weeks में, तो मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आपको सारे के सारे SQL कमांड सीखने की जरूरत नहीं है. आप डेटाबेस एडमिन रोल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका काम रहेगा कि कंपनी के डेटाबेस में घुसना है, डेटा को उठा के लाना है और उसके ऊपर एनालिटिकल टास्क करने हैं. ठीक है, तो आपको सारे के सारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाली जो क्वेरीज है वो सीखनी पड़ेंगी. तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. सबसे पहले आपको DML कमांड सीखने पड़ेंगे, जैसा मैंने आपको भी बताया. इंसर्ट करना डेटा में नया एंट्री, ऑल्दो ये भी आप कम ही करोगे. सेलेक्ट करना, रिट्रीव करना डेटा, डिलीट करना, अपडेट करना, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सब बहुत बेसिक है, लाइक ये सब आप 1-2 दिन में सीख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज जॉइंस. सो जो अलग अलग टेबल्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल्स में होता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो मल्टीपल टेबल्स में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको जॉइंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. ठीक है, तो 3-4 तरह के जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सारे आपको पता होने चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे. नेक्स्ट इज सब क्वेरीज एंड टेम्पररी टेबल्स. सो कभी कभी क्वेरीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर में आपको कोड लिखना पड़ता है कि एक क्वेरी के अंदर एक दूसरी क्वेरी होती है, पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व होती है और उसका रिजल्ट बाहर वाली क्वेरी को मिलता है और फिर बाहर वाली क्वेरी काम करती है. तो बहुत केसेस में अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको सब क्वेरीज लिखनी पड़े. ठीक है, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट इज SQL केसेस. सो जैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ते हो प्रोग्रामिंग में, SQL का तरीका है केसेस यूज करके इफ एल्स वाला काम करवाना. कभी अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ क्वेरी है तो आप SQL केसेस लगा सकते हो उसके ऊपर. नेक्स्ट इज स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस. सो अगर आप कोई काम रिपीटेडली कर रहे हो बार बार अपने डेटाबेस के साथ, तो आप उसको एक स्टोर्ड प्रोसीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट आप उसको कॉल करो, अलग अलग पैरामीटर्स दो और आपका काम हो जाए. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज विंडो फंक्शंस. ये एक थोड़ी अलग चीज है और ये एनालिसिस के काम टाइम पे बहुत काम आती है, तो ये आपको फॉर श्योर आनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SQL फॉर डेटा साइंस. ठीक है, ये तो हो गए कुछ कमांड्स जो आपको आने चाहिए. अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए. सबसे पहला डेटा टाइप्स. सो SQL में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए. इसमें डेट और डेट टाइम भी होता है. अलग से मैं उसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एनालिटिकल टास्क के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट्स के साथ डील करना, तो डेटा टाइप्स में जब आप काम कर रहे हो तो डेट्स के ऊपर अलग से फोकस करना. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मलाइजेशन एंड डी नॉर्मलाइजेशन. सो डेटाबेसिस के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है. नॉर्मलाइज्ड का मतलब वो इस तरीके से स्टोर्ड होता है कि रिडंडेंसी ना रहे. रिडंडेंसी मतलब कुछ भी रिपीट ना हो, फालतू में रिपीट ना हो. और जब आप एनालिटिकल टास्क करते हो, जब आपको एनालिसिस रन करने को दिया जाता है, तो वो जनरली बहुत ही डीनॉर्मलाइज्ड होता है. मतलब वहां पे इस बात की टेंशन नहीं ली जाती कि स्पेस वेस्ट हो रहा है कि नहीं, चीजें रिपीट हो रही हैं कि नहीं, उतना कंसर्न नहीं रहता है. तो आपको ये दोनों डेटा फॉर्म्स में स्विच करना आना चाहिए कि अगर आपके पास एक नॉर्मलाइज्ड टेबल है आप उसको डीनॉर्मलाइज कैसे करोगे, ये आपको पता होना चाहिए. या फिर आपके पास एक डीनॉर्मलाइज्ड टेबल है तो आप उसको नॉर्मलाइज कैसे करोगे, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग.
जैसे आपके बुक के पीछे इंडेक्स होता है जिसको यूज करके आप बहुत तेजी से कोई एक पर्टिकुलर टर्म को बुक में सर्च कर सकते हो, सिमिलरली अगर एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसमें अगर आपको कोई चीज को सर्च करना है तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आप इंडेक्सिंग यूज करते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस। सो क्वेरीज लिखने के बहुत तरीके हैं, आप कुछ ना कुछ करके रिजल्ट ला ही दोगे, बट अगर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है तो अगर आप एक अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरी को रन करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। सो दैट्स व्हाई एज अ सीक्वल डेवलपर आपको हमेशा ऑप्टिमाइज्ड क्वेरीज लिखनी चाहिए और वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लास्ट थिंग इज स्कीमा डिजाइन। बेसिकली डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, टेबल्स में कौन से कॉलम्स होंगे, ये कैसे सोचा जाता है, ये पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस है ये समझना, इसी को बोला जाता है स्कीमा डिजाइन। ऑल्दो ये आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे, बट जब आप इसको डीनॉर्मलाइज कर रहे हो किसी डेटाबेस को तो वहां पे ये काम आ सकता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर अ बिगिनर और आप नया नया सीक्वल स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इतने टॉपिक्स मास्टर कर लो ना तो आप अपने इनिशियल जॉब इंटरव्यूज के लिए रेडी हो। बाकी तो यार आप और बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द थिंग्स जो आपको सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी एक जॉब इंटरव्यू में और आपको सबसे ज्यादा काम आएंगी जब आप काम कर रहे होगे किसी कंपनी के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल रहेंगे आपके इस सीक्वल सीखने वाली जर्नी पे, ठीक है। सो मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया है जहाँ पे मैंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दे रखा है। सो सबसे पहले एक वेबसाइट का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा जो पर्सनली मैंने बहुत यूज किया था जब मैं सीख रहा था सीक्वल, दैट इज W3 Schools। W3 Schools पे जो कॉन्टेंट है बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट है, दैट्स द वर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड। आपको एक एक पेज का हर कमांड का एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उन्होंने एक टेबल लिया है उसके ऊपर क्वेरी चला करके आपको रिजल्ट्स दिखाए हैं, कुछ नो नॉनसेंस, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एकदम स्पेसिफिक ये कमांड मुझे सीखना है, जाके आपने वो पेज पढ़ा आपको वो कमांड आ गया। तो ये बहुत स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, ये वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली W3 Schools है तो बहुत ट्रस्टेड भी है। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक फॉलो करें, तो बुक्स बहुत सारी हैं, सिंस सीक्वल एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है तो बुक्स भी बहुत सारी हैं सीक्वल के ऊपर, बट मैंने 4 books पसंद की हैं, मतलब जितनी बुक्स मैंने पढ़ी उसमें से ये 4 books मुझे सबसे अच्छी लगी हैं। सबसे पहली बुक है Head First Sequel। हेड फर्स्ट सीरीज मेरे को हमेशा ही अच्छी लगती है क्योंकि अगर आपको कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है तो ये लोग एकदम ऐसा सिखाते हैं जैसे आप कोई बच्चे हो और आपको वो नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो बहुत बढ़िया एनिमेशन और छोटे छोटे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये एक अच्छी बुक है, मुझे याद है मैंने 2013 में इस बुक को पढ़ा था जब मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था और मेरे को डेटाबेसेस के ऊपर इतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने पूरी बुक को चार्ट डाला था और बहुत ही मजेदार बुक है, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, यू कैन सी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में जितने भी कमांड्स वगैरह हैं वो समझाया गया है, जॉइंस वगैरह के कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, एक चैप्टर है पूरा सब क्वेरीज के ऊपर, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं, ये सब अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये बुक बहुत बड़ी नहीं है, मतलब 500 pages है आई नो, बट मतलब हर पेज में बहुत कम कम लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 500 pages है नहीं, बहुत कम ही पेजेस है, और अच्छी बुक है ये, आप फॉलो कर सकते हो एज अ बिगिनर, ठीक है। जो सेकंड बुक है वो है प्रैक्टिकल सीक्वल। ये एक अच्छी बुक है इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब ये जो बुक है ये इंटरमीडिएट लेवल पे अच्छी बुक है। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि ये इंटरनली पोस्टग्रे सीक्वल के ऊपर बेस्ड है, मतलब तो पोस्टग्रे सीक्वल आई गेस 4th-5th नंबर पे होगा सबसे फेमस डेटाबेसेस में, बट अगेन जो कॉन्सेप्ट्स है वो सेम है, सीक्वल के कॉन्सेप्ट सेम है, टेबल कैसे बनाना है, डेटाबेसेस कैसे बनाने हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे रन करना है, वो सब कुछ सेम है। यहाँ पर 1-2 chapters जो अच्छे हैं वो है लास्ट वाले, एडवांस क्वेरी टेक्निक्स, माइनिंग टेक्स्ट टू फाइंड मीनिंगफुल डेटा, और ये सब सेविंग टाइम विथ व्यूज फंक्शंस एंड ट्रिगर्स। तो ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है, जैसे ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली बुक है, ये थोड़ा सा एटलीस्ट बाद के चैप्टर्स में ये बुक थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना है अपना नॉलेज तो आप इसके लास्ट के 4-5 chapters अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। द थर्ड बुक इज सीक्वल कुकबुक। सो कुकबुक सीरीज आपको पता होगा शायद हर टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, और कुकबुक सीरीज में बेसिकली रेसिपीज रहती हैं, छोटे छोटे टास्क कैसे करने हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये दिया रहता है। तो ये भी बुक बहुत बढ़िया है, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे टास्क एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करके दिखाए गए, जैसे रिट्रीविंग रिकॉर्ड्स, ये लोग कुछ शुरू में ये सब नहीं बताया कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस नहीं किए, सीधे राइट ऑन द मनी टास्क करके आपको दिखाने लग गए।
तो अगर आप थोड़ा बहुत सीक्वल सीख चुके हो तो फिर इस बुक पे आकर के आप ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत फिर काइंड ऑफ आपके नॉलेज को कंक्रीट बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड बुक एंड द लास्ट बुक इज अ वेरी स्पेसिफिक बुक, इसका नाम है सीक्वल फॉर डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। अब ये बुक का पीडीएफ मुझे नहीं मिल पाया, बट आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो learning.oreilly, इस वेबसाइट पे जाके अगर आप अपना अकाउंट बना लो तो आप 15 डेज तक इस वेबसाइट की सारी बुक्स फ्री में पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली ऑनलाइन। तो ये बुक भी वहां पे अवेलेबल है, सीक्वल फॉर डेटा एनालिटिक्स। इस बुक की अच्छी बात क्या है कि इन लोगों ने डेटाबेसेस पढ़ाया है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाया है कि डेटा एनालिसिस करने के लिए डेटाबेसेस को कैसे यूज करना है। तो ये बुक बाकी के तीनों बुक से बहुत अलग है और ये आपको पर्सपेक्टिव देगी कि एक डेटा एनालिटिक्स वर्कफ्लो में सीक्वल को कैसे यूज करना है। जो एग्जांपल्स यूज हुए हैं, जो यूज केसेस यूज हुए हैं, वो बहुत सही है, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से। तो इसको पढ़ के आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कि मुझे इंडस्ट्री में जाके क्या करना है, ठीक है। तो ये बुक आपको तब पढ़नी चाहिए जब आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो चुका हो सीक्वल का, ठीक है। और ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स हर पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे आप उनके ऊपर ही फोकस कर सकते हो। बट या ये चार बुक्स आई वुड रिकमेंड। मैं तीन का तो पीडीएफ खोज के दे दिया मैंने आपको, बाकियों का मैं आपको लिंक Amazon का भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप खरीदने में इंटरेस्ट हो तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो बहुत लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जो बुक से पढ़ना उतना पसंद नहीं करते हैं, वी लाइक वीडियोस। जैसे कि मैं खुद पहले बुक से पढ़ता था, बट अब वीडियो से पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो मैं आपको 3-4 कोर्सेज बता रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप वीडियो कोर्सेज या वीडियो इंस्ट्रक्शंस में बिलीव करते हो बहुत। तो सबसे पहला है यूडेसिटी का एक फ्री कोर्स है, सीक्वल फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये एक वेबसाइट है मोड बोल के, सीक्वल बेस्ड है ये भी। तो इन लोगों ने एक कोर्स क्रिएट किया है और ये एक अच्छा बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, ठीक है। मैंने इसके कुछ इनिशियल वीडियोस देखे थे शायद यहाँ तक सीक्वल एग्रीगेशन तक, और ये अच्छा है, मतलब फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे विंडो फंक्शन के ऊपर भी एक पूरा लेसन है, सब क्वेरीज है, डेटा क्लीनिंग के ऊपर है। और एंड द गुड पार्ट इज कि दिस इज डेडिकेटेड टू डेटा एनालिसिस, मतलब पूरा का पूरा सीक्वल पढ़ाने नहीं गया आपको, बस वो पार्ट्स पढ़ाए गए हैं जो डेटा एनालिसिस डेटा साइंस में आपको काम आ सकते हैं। तो दिस इज अ गुड कोर्स और अच्छी बात है कि ये फ्री है, आप ये फॉलो कर सकते हो। सेकेंड इज खान अकेडमी का सीक्वल का कोर्स, ये कोर्स है अगेन, ये भी फ्री है। खान अकेडमी के बारे में शायद आपको पता होगा, सारे ही कोर्सेज फ्री है। और इस कोर्स की अच्छी बात क्या है ना कि इसमें कुछ कुछ बीच में प्रैक्टिकल यूज केसेस दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखो टू डू लिस्ट डेटा सेट डेटाबेस स्टैट्स, फिर सिमिलरली यहाँ पर ग्रेड बुक बोल के कोई चैलेंज है, उसके बाद बेसिकली हर चैप्टर में उन्होंने एक रियल वर्ल्ड चैलेंज आपको दिया है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो पढ़ना तो सब में सेम ही है, बट ये प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज लिंक्डइन का एक कोर्स जो मुझे कुछ 2 महीने पहले मिला था, और ये बहुत ही बड़ा कोर्स है, लाइक इसमें 12 घंटे का कंटेंट है और सब कोर्सेज है, छोटे छोटे मिनी कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है ये, सीक्वल एसेंशियल ट्रेनिंग, सीक्वल प्रोग्रामिंग, डेटा रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, एडवांस सीक्वल फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो इसमें आप सारे कोर्सेज तो फॉलो मत करो, लास्ट वाला तो जरूरत भी नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक टूल के ऊपर है। आई वुड रिकमेंड कि आप ये फॉलो करो सीक्वल टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, इसमें आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपका जो नॉलेज है वो 10-fold हो जाता है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने से ऑब्वियसली आप हमेशा थोड़ा एक्सेल करते हो उस डोमेन में। आप ये पढ़ सकते हो सीक्वल फॉर डेटा साइंटिस्ट और ये डेटा रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बाकी के ये जो दोनों चीजें हैं ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये सेम रहेगा, ठीक है। एंड लास्टली मैंने भी एक कोर्स बनाया है ऑन सीक्वल, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट गेस वॉट, परसों तक आई विल अपलोड माई कोर्स ऑन सीक्वल। सो अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरा वो कोर्स फॉलो कर सकते हो सीक्वल का, जो मैं परसों अपलोड कर दूंगा, इट वुड बी 26th of October। सो अगर आप ये वीडियो 26th October 2021 के बाद देख रहे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां पे मैंने एंड टू एंड सीक्वल पढ़ाया होगा, ठीक है। तो दीज आर द वीडियो कोर्सेज। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। सो सीक्वल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब हाँ यहाँ पे आप प्रॉपरली वेबसाइट वगैरह डेवलप नहीं कर रहे हो, बट आप डेटाबेस से बहुत चीजें करवाते हो,
तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते टाइम आपको प्रैक्टिस करना होता है, सिमिलरली आपको सीक्वल सीखते टाइम भी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। सो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप सीखने के प्रोसेस में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सबसे पहला है लीट कोड, आई गेस कुछ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। डीएसए के लिए आप ऑलरेडी इस वेबसाइट पे बहुत बार जाते होगे, बट आपको शायद पता हो कि डेटाबेसेस का एक अलग सेक्शन है लीट कोड के ऊपर। और आप क्या कर सकते हो कि आप जा करके वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्वेरीज लिखना। सो मैंने कुछ चार पांच प्रॉब्लम्स ही देखी हैं अभी, बट बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, और प्रॉब्लम्स पूरा टेबल वगैरह स्ट्रक्चर बना के आपको दिया हुआ है, और आप चाहो तो वहाँ पे सीक्वल पे रन करके देख सकते हो कि आपका कमांड, आपका जो क्वेरी है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं। जैसे ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है कंबाइन टू टेबल्स, ये दो टेबल्स दिए हुए हैं और आपको बोला गया है राइट अ सीक्वल क्वेरी टू रिपोर्ट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी एंड स्टेट ऑफ ईच फंक्शन इन पर्सन टेबल, ठीक है। सो बेसिकली ज्वाइन शायद परफॉर्म करना है, यहाँ पे आप अपना क्वेरी लिखोगे और आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई वुड से कि अगर आप पेड वर्जन ना भी खरीदो तो एटलीस्ट यहाँ पे जितने फ्री क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली, शायद 10-15 ही है, तो आप ये सारे तो लगा लो, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लीड कोड आई वुड रिकमेंड, इफ पॉसिबल अगर आप 1 महीने के लिए पेड वर्जन ले पाओ तो पेड ले करके आप बाकी भी एक बार लगा सकते हो, ठीक है। पेड में ये लोग आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। सेकेंड जो एक और प्लेटफॉर्म है इसी तरीके का, वो है सीक्वल जू। ये पहले बहुत फेमस हुआ करता था, मुझे याद है मैंने कभी ना कभी इस प्लेटफॉर्म को पहले बहुत यूज किया है। यहाँ पे भी सेम है, आपके पास यहाँ पे चैप्टर्स हैं और यहाँ पे हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन दिया रहता है क्वेश्चन का, और फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप यहाँ पे क्वेरी लिखते हो, यहाँ पे आपको रिजल्ट आता है, और दैट्स इट। सिंपल बेसिकली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। एक और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इज हैकर रैंक। अगेन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बट जितने भी हैं अच्छे हैं। ये सारे करने के बाद डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सीक्वल में, ठीक है। आई गेस ये 25-30 क्वेश्चंस का सेट है, बट ये आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। सो इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप सही लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। नाउ एक बार जब आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है सीक्वल और प्रैक्टिस वगैरह कर लिया है, तो हो सकता है कभी कभी आपको समरी करने के लिए या फिर रिविजन करने के लिए चीट शीट चाहिए हो या फिर नोट्स चाहिए हो। तो मुझे ये एक नोट्स मिला है सीक्वल का, जहाँ पे बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीक्वल के सारे कमांड्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये कोई बुक नहीं है एक्चुअली, ये एक पीडीएफ है जहाँ पे एकदम जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से कमांड्स होते हैं, नल वैल्यू का क्या काम होता है। तो अगर आप एक बार पढ़ चुके हो सीक्वल तो रिवाइज करने के लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ऑल्सो एक वेबसाइट है जो आपको चीट शीट्स प्रोवाइड करती है, बेसिकली अगेन नोट्स, दीज आर द पीडीएफ्स, इनको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हो और कभी भी यू कैन सी इट बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी मैंने डाल दिया है। लास्टली जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने कुछ रिसोर्सेस कंपाइल किए हैं। सबसे पहला ये एक गिटहब बुक है, सो किसी ने एक बुक कंपाइल किया है जहाँ पे लाइन से सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, कुछ 50-60, ठीक है। ये आप झट से एक रात पहले पढ़ सकते हो इंटरव्यू के, और इट वुड हेल्प यू, ठीक है। सेकेंड है एक और सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये एक गिटहब रेपो है जहाँ पे अगेन 50-60 क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद आई गेस ये भी इंटरव्यू क्वेश्चंस का ही सेट है, हाँ ये भी इंटरव्यू क्वेश्चंस का ही सेट है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है और ये थोड़ा थियोरेटिकल है, ठीक है। और उसके बाद मैंने दो और गिटहब रेपोज दिए हैं जहाँ पे आप केस स्टडीज लगा सकते हो। सो यहाँ पे क्या है कि आप केस स्टडीज देख सकते हो, अलग अलग केस स्टडीज हैं, ये सारी केस स्टडीज हैं, आप इन केस स्टडीज को ट्राई कर सकते हो। और ये जो लास्ट वाला है ये भी केस स्टडीज है, दीज आर ऑल केस स्टडीज, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, वेदर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। तो इस तरह के केस स्टडीज आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, या फिर आपको इंटरव्यू के पहले जो राउंड होता है वहां पे आपको ये प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं और आपको विद इन 2-3 डेज सबमिट करना होता है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से भी आपको हेल्प होगा, ठीक है। सो ये मैं पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और दैट्स इट, मतलब रिसोर्सेज मेरे को लगता है इतने सफिशियंट है एक बिगिनर लेवल जॉब के लिए। अगर आप ये सब कुछ पढ़ जाते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी जॉब सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछो, मैं आपको दो एडवाइस दूंगा। पहला, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट। सीक्वल बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है,
इट्स अ स्किल, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आप बुक पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको पानी में कूदना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको सीक्वल सीखना है तो आपको सीक्वल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ बुक्स पढ़ जाने से या वीडियोज देख लेने से आपका दिमाग काम नहीं करेगा इंटरव्यू में, आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में खुद को डालना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड, एक चीज और मैं आपको एडवाइस दूंगा, वो ये है कि आप सिर्फ सीक्वल इसलिए मत पढ़ो कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है तो हमें पढ़ना चाहिए। सीक्वल आप इस तरीके से भी पढ़ो कि आपको जॉब क्रैक करने के बाद भी काम आने वाला है। मतलब ये है कि आप जब कंपनी में काम करोगे तो वहां भी आपको सीक्वल का नॉलेज चाहिए होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लीड कोड पे जाके प्रैक्टिस कर लिया, सीक्वल जू पे जाके प्रैक्टिस कर लिया, इंटरव्यूज क्वेश्चंस लगा लिए, बट आप ये प्रैक्टिस नहीं करते हो कि रियल वर्ल्ड में जब मैं कंपनी में काम करूंगा तो वहां पे किस तरह के टास्क मुझे मिलेंगे। तो आपको इसीलिए क्या करना चाहिए, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कुछ रियल डेटा सेट्स के ऊपर भी काम करके देखना चाहिए। आई नो इंटरव्यू क्रैक करते टाइम शायद वो उतना हेल्प ना करे वो नॉलेज, बट जब आप जॉब कर रहे होगे ना डेटा साइंस के डोमेन में, तो ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये दो प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप सीक्वल सीख रहे हो। और दैट्स इट आई गेस, मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको और आई होप इट वॉज हेल्पफुल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग इट, ऑल्सो सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई फ्रेंड सीक्वल का प्रिपरेशन कर रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उसके साथ शेयर करना, ठीक है। सो आई एम प्लानिंग और ज़्यादा मैं रोड मैप्स क्रिएट करूँगा, क्योंकि ईयर एंड आ रहा है तो अब बहुत लोगों का टारगेट रहता है नए साल में जॉब वगैरह लेना है, स्विच करना है, तो इस टाइम पे लोग बहुत प्रिपरेशन करते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आप और किस चीज़ के बारे में एक रोड मैप चाहते हो जो मैं बना के दूँ, ठीक है। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।